दोस्तों ये है तलवारों की दुकान है। बालूतरा मेले के अंदर भैया लेके आए हैं बढ़िया बढ़िया तलवार कठार। नमस्कार भैया, तो ये कहाँ से आए हो? जोधपुर। जोधपुर से। ये आपका खानदानी धंधा है? खानदानी। खानदानी कितने साल से कर रहे हो? ये बस बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए ना, तो एक बार मेरे को ये तलवारों की रेट बताना, इधर लाना। तो एक एक निकालते रहो। इसकी क्या प्राइस है? 2500 रुपया। इसकी क्या खासियत है? ये पूरा पीतल का है। पीतल का है ये पूरा। हाँ, और ये 2500 रुपया के रेट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है? हो जाता है ना। बढ़िया बढ़िया। ये मिनिमम आपके पास में कितने से शुरू हो जाता है तलवार? शुरू 700 से होता है वाला रखा। 700 से ये वाला है जो तलवार, ये 700 रुपया से शुरू हो जाता है। ये शादी बारात में काम आती है गुड़िया? कोई नहीं कोई नहीं, शादी बारात वाली तलवार है ना। ये तलवार कितने की है भैया? इधर आ जाओ। छोटी वाली 500 की है, बड़ी 700 की। ये छोटी वाली कितने की है? 500। 500 की, और बड़ी वाली है 700 की। आप जोधपुर के रहने वाले हो प्रॉपर? अजमेर। अजमेर के। अजमेर में कहाँ पे रहते हो? पटेल नगर में। आप सभी मेलों में जाते हो? एक बार इसका पीछे बताना, इसकी क्या रेट है? ये जो 4000 का सेट है ना, इसकी क्या खासियत है भाई? हॉल में लगाने के लिए फैंसी है ना। बिल्कुल। तलवार और ये दोनों, ये छोटे वाले की क्या रेट है? 3000 रुपया। ये भी, अरे सॉरी भैया, ये भी फिनिशिंग के लिए, शो के लिए है, हॉल में लगाने के लिए। ये दोनों 4000 के, तो 3000 का है ना। और ये पीछे जो कटार पड़ी है, आइए, ये 2500 रुपये का। 2500 रुपया का ये दोनों। ये कितने का है? ऊपर वाला 1200 का है। ऊपर वाला ये 1200 रुपया का है, और ये सब 1200 1200 के है। इसमें रेट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा? हाँ, थोड़ा 100 200 रुपये हो जाएगा, थोड़ा बहुत है। और ये जो ऊपर तलवारें पड़ी है, ये कितने की है? वो 2000 की है। 2500। ये 2500 की तलवार है जो, और ये है 2000 की। ये लाठ है कितने की है? लाठिया 200 रुपये की एक लाठी है। लाठियों रेट में ऊपर नीचे हो जाता है? नहीं, नहीं होता। एक बार इसको निकाल के बताना, ये क्या चीज है? नहीं नहीं, ये हाँ, ये गुप्ती है। गुप्ती है ना, ये बिना धार की है ना, बिना धार की ये गुप्ती है। इसकी क्या प्राइस है? इसकी क्या प्राइस है भाई? 700 रुपया की। रेट में ऊपर नीचे हो जाता है इसके? 50। तो आपकी हैंडमेड है, आप खुद बनाते हो या खरीद के लाते हो भाई? ये खरीद के लेके आते हैं। खरीद के लेकर घर पे ये लाठ या घर पे बनाते हो? बुढ़िया आप भी ये जोधपुर से ही हो? हाँ। जोधपुर से हो आप भी, यही व्यापार करते हो? आपका भी प्रॉपर खानदान व्यापार है? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, बढ़िया है गुड़िया, ये तो आपकी मेहनत है, आप मेहनत कमा के खा रहे हो। इसकी क्या रेट है भैया? 1200 रुपया। बिल्कुल। इसका रेट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है? 150 हो जाए। ये छोटे वाली गुप्ती है, ये कितने की है? हाँ, गुप्ती नहीं, स्टीक है। स्टीक है ना, अरे वाह यार, ये स्टीक है। ये कितने की है भैया? 500 रुपये की। इसका रेट लास्ट कितने तक दे दोगे? लास्ट 400 तक है। महंगी से महंगी तलवार कौन सी है आपकी इसमें से? ये वाली। एक बार बताना मेरे को इधर निकाल के, ये कितने की है तलवार? 6000 की। इस तलवार की क्या खासियत है? इससे लोहा भी कट जाता है। लोहा भी कट जाता है, इतनी खतरनाक तलवार है। ये किससे बनी हुई है? लोहे की है, पक्के लोहे की है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पक्के लोहे की है, इससे लोहा भी कट जाता है, और शादी बारात में भी काम में ले सकते हैं। ये तो रजवाड़ी तलवार है, तो पुराने जमाने की तलवार है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गुप्ती है जो, ये जमिया, ये शादी बारात में काम आने वाला है। हाँ। इसका बता रहा भाई क्या प्राइस का है? ये 700 का है, 400 का है। ये 400 का, ये 700 का, वो कितने का है? 250। ये 250 का है, 250 का कम से कम वाला। ये कितने के हैं जो फैंसी है? जो कम से कम 150 का है। ये 150 रुपया का कम से कम। और ये इधर पड़े जो बड़े वाले, 250 रुपया का। ये बेल्ट कितने के हैं? ये बेल्ट 200 का है। 200 का है। ये कितने का? 250 का है। और ये जो तलवार पड़ी है बीच में, ये 700 रुपया की। ये क्या भाई है? होकी? गुप्ती वाली। एक बार बताना तो कैसी है गुप्ती वाली होकी? ये नई फैशन ही है।
अरे वाह यार, ये कितने की है? 700 रुपया की है ये, से बिना धार की है ना? हाँ। बिना धार, ये ऊपर जो तलवार पड़ी है ये कितने की है? 700 की। शादी बारात वाली है? शादी बारात वाली है भैया। वो एक कटप्पा वाली तलवार है ना, वो तलवार आपके पास में नहीं है? एक आती है ना वो डिजाइन वाली जो पिक्चर में अभी आई थी सलमान खान वाली, वो नहीं है ना? वो नहीं है। ये आप खुद ही बना रहे हो तलवार का? हैंडमेड काम है आपका, खुद का काम है ये? हाँ ये बताना भैया, ये तलवार ये कितने के? हाँ ये तलवार कितने के भैया? 3000 रुपया की तलवार है, स्टील का है पूरा ये, बिना धार का ये तो है ना? आपने धार अभी लगवाई नहीं है इसकी? अलाउ नहीं है ना, बिल्कुल। और क्या अभी आपके पास में? ये चाकू है जो कितने का भैया? छोटे छोटे जो फैंसी चाकू है जो, हाँ ये बटन वाला है। अरे वाह, अरे वाह यार, ये तो ब्लॉक वाला है ना, बंद कैसे होता है ये? हाँ, और खुलेगा कैसे? अरे वाह यार, शानदार है ना यार। ये कितने का है? 500 रुपया का। कम से कम कितना लग जाएगा? कम से कम 450-450 रुपया। जोधपुर में आपकी शॉप कहाँ पे है? जोधपुर में शॉप नहीं रहते, शॉप नहीं रहती है। आप तो सभी मेलों में ही जाते हो, ओनली मेलों में घूम घूम के बेचते हो है ना, शॉप नहीं रखते हो? आपके पापा भी यही व्यापार करते हैं? पापा करते थे, अब नहीं है, अब आप ही करते हो है? पापा दुनिया में नहीं है, खत्म हो गए। अब मम्मी? मम्मी गांव में। आप बहन भाई हो दोनों? हाँ। दोनों बहन भाई मिलके घर चला रहे हो। भैया क्या नाम है आपका? विकास भाई। कहाँ से आए हो? जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ पे रहते हो? जोधपुर में कौन सी जगह रहते भाई? अगोलाई है नहीं? अगोलाई में। अगर कोई भाई फोन करे तो ऑनलाइन मिल जाएगा? ऑनलाइन का काम नहीं करते हो है ना, मेले में ही करते हो है? दोस्तों ये देखो, ये है भाई के पास में लाठियां, और ये है भाई के पास में चाकू, बढ़िया तलवारें हैं। हाँ यूट्यूब, ये हैंडमेड आइटम है टोटली, भैया अपने खुद बनाते हैं, अपने हाथ से ही बनाते हैं। बढ़िया दुकान है, अगर कोई भाई को खरीदना है तो आप लोग बालोत्रा मेले में आके खरीद सकते हो। भैया की दुकान बालोत्रा मेले में है। अभी तक बालोत्रा मेले में आप रहोगे ना भैया? कितने तारीख तक रहोगे? 10-15 दिन तक और रहोगे? 1100 ले लेना, 1100। 10-15 तारीख तक भैया बालोत्रा मेले में ही रहेंगे। ये तो मेले मेले में दुकान लगाते हैं।